अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट मटन पुलाव। इतना मज़े का और कमाल का ये पुलाव बनने वाला है कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है और बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू है। आप इसे एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो अगर आपने अभी तक अनीलास डाइनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अनीलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप परफेक्ट और मज़े का वाइट मटन पुलाव बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कि किस तरह से आपने इस पुलाव को बनाना है कि इसका कलर भी बड़ा परफेक्ट बने और टेस्ट भी परफेक्ट हो और खुशबू भी कमाल की हो। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप यखनी के लिए मसाले नोट कर लें। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है, और लौंग और जो साबित काली मिर्च होती है वो मैंने 1 टीस्पून ली है, और इसी तरह सब्ज़ वाली इलायची और मोटी वाली इलायची ली है, 2 बादियान के फूल और इसी तरह 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 अदद प्याज और 7 से 8 लहसुन के जवे लेंगे। 3 बड़े वाले ग्लास चावल के मैंने लिए हैं और उनको अच्छी तरह से मैंने धो के भिगो दिया था, और 1 किलो ही मैंने यहाँ पे मटन लिया है। मटन को मैंने सिरके और पानी में अच्छी तरह से भिगो के फिर धो लिया था और ये अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। तो 1 किलो चावल और 1 किलो मटन हमने दोनों चीज़ें सेम क्वान्टिटी में ली हैं। और अब हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने मटन शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है, और साथ ही मैं इसके अंदर प्याज और लहसुन भी शामिल कर दूंगी। मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। आप चाहें तो इसे बगैर प्रेशर कुकर के भी डायरेक्ट गला सकते हैं। और जो साबित मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। नमक भी शामिल कर देंगे, और प्रेशर कुकर को ऊपर से ढक के मैं इसे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए पकाऊँगी। प्रेशर कुकर में इसे 20 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप इसे डायरेक्ट बना रहे हैं तो 35 से लेकर 45 मिनट्स तक इसको लग सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी यखनी रेडी हो गई है और गोश्त भी बड़ी अच्छी तरह से गल गया है। मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ अभी एक बोटी लेके कि गोश्त कितना अच्छा गल गया है। पहले हम मीट को बाहर निकाल लेंगे और यखनी को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सारा गोश्त एक बाउल में बाहर निकाल लिया है। यखनी की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो ये देखें, ये मैं आपको चेक करवा दूँ, गोश्त बड़ा अच्छा गल गया है। अब मैं सारी यखनी को इस तरह से छान लूँगी। आप एक स्ट्रेनर लेके इसको छान लें। अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें मुंह में आएँ तो पसंद नहीं की जाती, तो हम इनको छान लेते हैं। असल फ्लेवर तो इनका निकल ही चुका है। अब मैं तड़का लगा के कुछ चीज़ें उसके अंदर और शामिल करूँगी, उनको नोट कर लीजिए। फिर से मैंने 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च ली है, 1 अदद करी पत्ता और 2 टेबल स्पून मैंने बादाम को इस तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो साबित बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कूट के शामिल किए हैं। तड़के के लिए मैंने 1 अदद प्याज इस तरह से कट कर ली है, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और 1 कप मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। 2 अदद टमाटर की मैंने इस तरह से पेस्ट बना ली है, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन को बारीक कूट लिया है। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 कप दही का, और 1 टीस्पून मैं इसमें केवरा एसेंस का यूज़ करूँगी। और ये चावल है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने धो के भिगो लिए थे, और ये वो यखनी है जिसे हमने छान लिया है। अब मैं सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। हम वाइट मटन पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए हम प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लाइट गोल्डन सा रखेंगे ताकि हमारा पुलाव वाइट वाइट बने। बस इतना कलर काफ़ी है। अब मैं इसके अंदर लहसुन शामिल कर दूँगी। लहसुन की भी हमने भुनाई करनी है, इसको भी हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। एक बड़ी अच्छी सी लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी इस तरह से, और साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूँगी जो मैंने आपको अभी बताए थे। ये सारे ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। हमने इसके अंदर जो वाइट मिर्च शामिल की है और बादाम कूट के शामिल किए हैं, उसका आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा पुलाव के अंदर। अब मैंने जो मीट बाहर निकाल लिया था अलहदा से, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इस सारे मसाले को और मटन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही।
दही की भी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और दही का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। हमेशा से ही मैं आपको कहती हूँ कि भुनाई में हमने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी ही अच्छी चीज़ बन के रेडी होती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून केवरा एसेंस के शामिल कर दूँगी। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में से। बस सारी ही चीज़ें अच्छी तरह भुन गई हैं, अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल करूँगी। वाइट मटन पुलाव बहुत ही मज़े का होता है और जो आम हम यखनी पुलाव बनाते हैं उससे हट के इसका टेस्ट होता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यखनी में बॉयल आ चुका है, मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, एक दफ़ा आप सारा कुछ मिक्स कर दें और फिर बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं, तो मैं इस तरह से एक दफ़ा सारा कुछ मिक्स कर दूँगी, ये देखें इस तरह से, और फिर ऊपर से ढक देंगे और पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। 3 गिलास मेरे चावल थे और 5 गिलास मैंने इसमें यखनी के शामिल किए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, देखें पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, जो चावलों के ऊपर ऊपर पानी नज़र आ रहा था वो आना बंद हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसको दम दे देंगे। 15 मिनट्स का दम देने के बाद अब मैंने इसको ऊपर से ओपन किया है, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं। एक एक दाना इसका खिला खिला नज़र आ रहा है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। एक दफ़ा मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो माशाल्लाह से आप देखें कि चावल हमारे लंबे भी हुए हैं और फूले भी सही हैं और कहीं से टूटे भी नहीं हैं, और मटन भी बिल्कुल नहीं घुला, हमें बिल्कुल परफेक्ट उसकी बोटी की शक्ल और शेप नज़र आ रही है। तो परफेक्ट पुलाव वही होता है कि चावल भी खिला खिला और पूरा लंबा हुआ हो, और जो इसके अंदर हमने मीट शामिल किया हो वो भी ना घुला हो, उसकी भी एक शेप और उसकी शक्ल नज़र आ रही हो। तो चलिए डिश आउट करते हैं। एक सर्विंग डिश में मैंने इस तरह से चावल शामिल कर दिए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे ही घर में फैली हुई है। इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मैंने इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और इस तरह से सब्ज़ धनिया ऊपर से लगा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाइट मटन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। करीब से भी इसकी लुक चेक करवाती हूँ, आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है और क्या ही इसकी लुक आ रही है। तो वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बना है, बड़े खिले खिले चावल, और इसका कलर चेक करें और बोटियों की शेप चेक करें, हर चीज़ हमारी परफेक्ट है। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो मैं तो चल के इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ, और अगर आप भी इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। और अब हम हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के जज्बात और भरोसे का नहीं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।